मणिपुर के इम्फाल शहर में सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच शुक्रवार को रात भर झड़प हुई। शनिवार को भी माहौल तनावपूर्ण रहा। इसमें 2 लोग से ज्यादा घायल होने की खबर है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इम्फाल में भीड़ ने बीजेपी के कुछ नेताओं के घर जलाने की भी कोशिश की। अधिकारियों के मुताबिक मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वार्टा और चूराचांदपुर जिले के कंगवई से पूरी रात गोलीबारी होने की खबर है। उन्होंने बताया कि इम्फाल पश्चिम के इरिंगबाम पुलिस थाने में लूट की भी कोशिश की गई, हालांकि इस दौरान कोई हथियार चोरी नहीं हो सका। अधिकारियों के अनुसार दंगाइयों के इकट्ठा होने से रोकने के लिए सेना, असम राइफल्स और मणिपुर आरएएफ ने इम्फाल में आधी रात तक संयुक्त मार्च निकाला। उन्होंने बताया कि लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने महल परिसर के पास स्थित इमारतों में आग लगाने की कोशिश की। माहौल काबू में रहे, हिंसा बार बार न भड़के और उपद्रवियों को नियंत्रण रखा जा सके, इसके लिए आरएएफ ने और तमाम सेनाओं ने मिलकर मार्च निकाला, जो काफ़ी दूर तक चला और लगातार पैदल गश्त की गई। इस बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि दोषियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य की एकता और अखंडता की रक्षा करेगी, राज्य के लोगों के हित के खिलाफ कोई भी चीज नहीं की जाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।